इस स्माइल को किसी की नजर ना लगे, ये साल तुम लोगों का बहुत स्पेशल हो। वो क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, एपिक। ये साल तुम लोगों का एपिक हो। और ये छोटा सा सरप्राइज, अगर सब सही रहा तो इससे भी बड़ा सरप्राइज दूंगा। आई हैव अ फीलिंग कि इस साल तुम लोगों को फाइनली पापा से जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए हैप्पी बर्थडे एंग्री बर्ड्स। विनाश का अस्त्र ग्रहनाशी। हमारे वर्षों के शोध और परिश्रम का फल है। ऐसी मारक शक्ति है इसकी कि एक ही प्रहार से एक संपूर्ण ग्रह को नष्ट कर सकता है। ये पूरे ब्रह्मांड के शक्ति संतुलन को बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक ही वार काफी है। और याद रहे, जिसकी शक्ति उसी की सत्ता। एक महावीर योद्धा, एक महापंडित, एक महान वैज्ञानिक, और ये कोई तीन नहीं, केवल एक ही हैं, हमारे आचार्य महागुरु शुक्र। और ऐसा विनाशकारी हथियार तो केवल वही बना सकते हैं जिनमें दूर दृष्टि हो। आचार्य, अब हम इसके एक वार से पृथ्वी को मिट्टी के ढेर में बदल देंगे और फिर उस मायावी अंगूठी को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कमी है। पाटिल सर। अरे आलस तू। या पाटिल साहब, देखो आपका फेवरेट केस आ गया। अपना पगार आया ना, लेकिन तू भेंडी महीने के पहले हफ्ते में इधर आ ही जाएगा, है ना सुधीर? सुधीर नहीं सर, वीर। तेरा नाम वीर है क्या? चाय लग तो मेरा जमन पे सुधीर कैसे चढ़ गया? असल छुट पाटिल साहब। गुड आफ्टरनून सर। तेरे आने से पहले गुड था, लेकिन अब कुछ नहीं है। तेरे बाबा अभी भी गायब है, पता नहीं चला उनका। चल निकल यहाँ से। क्या पाटिल साहब, आप भी मेरे को तो इसका बात बहुत मस्त लगता है। ऐसा एलियन साइंस असुर बिसुर क्या मस्त फेंकता है, एकदम इंग्लिश पिक्चर के जैसा। सर पापा का एक बहुत बड़ा साइनाथ। एक मिनट। अरे यार, एंटरटेनमेंट तो खाने का तो होना चाहिए ना सर। साइनाथ नहीं, वीर।
तेरा नाम वीर है क्या? सर ये फोटोज देखिए आप। सर एक एक नजर तो मारिए सर। अरे क्या हुआ पांडे साहब, फोटो तो देख लो और पसंद आए तो फॉरवर्ड कर देना ग्रुप में। तांबे मेरा सर दर्द हो रहा है अभी। सर बाम। ये भिंडी, तू एम्बुलेंस है क्या? फर्स्ट एड लेके घूमता है? नमक ज्यादा डाल दिया रे। सर कांदा साथ में लो, नमक बराबर लगेगा। हे बाबा, तेरा बाहर चेकिंग वेकिंग नहीं हुआ क्या? सर ये देख, ये फोटोज उस मेमोरी कार्ड में मिली है जो पापा मेरे लिए छोड़ के गए थे। करोड़ों का घपला किया इसके बाप ने, मगर बेटे के लिए क्या छोड़ के गया? मेमोरी कार्ड। ए राणे इधर आ, मेरे को दिखा। किधर का फोटो है ये? एग्जैक्टली तो पता नहीं है सर, लेकिन ये फोटोज उस मेमोरी कार्ड में थे, तो कोई ना कोई क्लू होगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ी छानबीन करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा सर। कुछ ना कुछ मिलेगा मतलब? ऊर्जा, इसे चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा। एक ऐसी विशेष ऊर्जा जो सिर्फ और सिर्फ उस मायावी अंगूठी में है। सर एक रिंग है। रिंग? हाँ। बचपन से अपने बाप के पीछे था तू, अब अचानक रिंग पे आ गया? नहीं नहीं सर, मुझे पापा को ही ढूंढना है, बट रिंग के थ्रू। मेरा मतलब है कि हम जब रिंग को ढूंढेंगे तो पापा ऑटोमेटिकली हमें। दिमाग से पैदा है क्या तू? ये मुझे समझ रहा है? तेरा बाप चोर था। क्या था? चोर। देख ये जो फोटो तू दिखा रहा है ना, वो सारी के सारी सरकारी अंडरटेकिंग्स है। अरे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है रे वो सब। रिस्ट्रिक्टेड बोले साहब? अरे तांबे या डीआरए सुने ना, ये पूरा का पूरा एरिया सील करके रखा है। ये अपने स्पेस रिसर्च वाले होते हैं ना, उन्होंने उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरएसओ में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूं। डीआरएसओ पापा की ऑर्गेनाइजेशन? और तब से वो पूरा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया करके जाना जाता है। 50 जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी, 100 जगह पे हाथापेरी करनी पड़ेगी। बहुत मगजमारी वाला काम है रे, ये नहीं होगा सर। तो ट्राई करना पड़ेगा ना। सुन संग्राम, सुन। अरे सर वीर। अरे वीर जारा जो भी है, देख जो इंसान 7 साल से तो मिसिंग होता है ना, उसे डेड मान लेते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, लॉ कहता है। तू समझा ना, तेरे पिताजी ऑफ हो गए तो मान ले। 5 पंडित वंडित को खाना खिला, नासिक जाके श्राद्ध करा, मैटर क्लोज कर, लाइफ में आगे बढ़। नहीं सर क्या बातें कर रहे हो, मेरे पापा जिंदा है। आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत बोलो, ये गलत है। ए शाणे, इधर जिंदा लोगों को ढूंढने के लिए टाइम नहीं पड़ता है हमारे पास, पर एक मरे हुए चोर को ढूंढने के लिए हम टाइम बर्बाद। सर सर लेकिन मायावी अंगूठी में तो अदृश्य होने की शक्ति है ना आचार्य? पर वो तो उसकी सैकड़ों शक्तियों में से एक है। उस अंगूठी में इतनी ऊर्जा है कि वो सूर्य को बुझा सकती है, चंद्र को जला सकती है, नवग्रहों को अपनी प्रदक्षिणा से हटा सकती है।
एक बार हमारी अंगूठी हमारे हाथ लग जाए, त्रिपुर के सर्वनाश का प्रतिशोध ले सकेंगे, और ऐसा प्रतिशोध लेंगे कि ब्रह्मांड याद रखेगा, कि ब्रह्मांड याद रखेगा। तो फिर आचार्य, एक सवाल उठता है। सवाल बड़े अच्छे उठा लेते हैं आप, क्योंकि सवाल उठाने में केवल लगती है जबान, पर सवाल का उत्तर ढूंढने में लगती है बुद्धि। आचार्य पूछो। नहीं नहीं, तुम पूछो। जी, पृथ्वी सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इतने बड़े क्षेत्र में छोटी सी मायावी अंगूठी कैसे ढूंढेंगे, सोचा किसी ने? नहीं। यो दंश, कैसे ढूंढोगे? दंश के अंतरिक्षयान के पीछे क्या है विचल? डेथ का अंडा है वो, या फिर कोई बहुत बड़ा उपग्रह? TRSO restricted sites, यही इमेज मुझे पापा तक पहुंचाएगी। ब्रो वो गुले लो एस्ट्रोलॉजर। कौन, नागपड़ा वाला? अरे नहीं रे, वो साइंटिस्ट जिसने बोला था कि अर्थ जो है वो सन के राउंड चक्कर लगाता है। ओ गैलीलियो, एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर। स्पेलिंग को छोड़ और मेरे इमोशन को पकड़, तेरे पापा भी वही थे ना, एस्ट्रोनॉमर। तो अरे दुनिया ना झंडू है झंडू, इंटेलिजेंट लोग की कदर ही नहीं है। गैलीलियो को भी चोर बोलकर जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया। तू छोड़ना। अरे तू छोड़ना फोन को। ए सुनना, तू क्या कहता रहता है? आज जिसका भी है कल अपना ही है। अरे कल अपना ही है बेबे। पापा ने कहा था रिंग गिरी थी, मीटियोर्स, TRSO रिस्ट्रिक्टेड साइट्स जहां पर मीटियोर्स गिरे थे। चलती बाइक से उतर गया। मीटियोर साइट्स, इन सारी जगहों पे ही तो मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स गिरे थे। रिंग, बंटू वो कॉफी शॉप पे मिल जिधर वो फ्री वाईफाई मिलता है। अरे कहाँ जा रहा है वीर? यस, हमारी तो मात्र इतनी सी इच्छा थी कि तुम त्रिपुर के बचे अवशेष का पता लगाओ, पर तुम तो पूरे का पूरा त्रिपुर स्तंभ उठा कर ले आए। शाबाश मेरे दंश, शाबाश। आचार्य अब ये कहां चल दिया? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने। संग्राम के दौरान
नगर त्रिपुर का एक अंश टूट कर अलग हो गया था। ये वही अंश है, इसमें अब भी त्रिपुर का सत्व संरक्षित है। हमारे नगर की आत्मा सुरक्षित है। अब यही दिखाएगा हमें अंगूठी तक पहुंचने का मार्ग। वर्षों की खोज के बाद प्रियदंश को मिला है ये त्रिपुरंश, जो अब बनेगा हमारा मार्गदर्शक। सारे मीटियोर साइट्स कहां गिरी होगी? वो मीटियोर साइट थी जिसपे पापा रिसर्च कर रहे थे? क्या ये वो लोकेशन है? पापा की पेनड्राइव में मिली फोटोज और ये फोटो, इनकी ज्योग्राफी काफी सेम है। कुछ पता चला? मीरा, अरे भैया दो समोसे कर दो। नहीं यार, ये देख कुछ वैली जैसा है, ध्यान से देख। अरे यार ये सब अपन से नहीं होगा भाई, तू एक काम कर, तू मुझे जगह बता दे, मैं टिकट बुक कर दूंगा। ओके, हम लोग क्लोज हैं यार, आई कैन फील इट। चाहिए तो बस एक लक। मैं भी ढूंढता हूँ। समोसे कल देगा। भैया ये क्या है? ये मैं बेटा ट्राई करोगे? भैया इधर आओ, आप जो भी काम करने जाओगे देखना हो जाएगा।
भैया नहीं हो रहा है। रुद्र प्रकाश ब्रो, देख लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। क्या नाम बताया? रुद्र प्रकाश। रुद्र प्रकाश, इन पहाड़ों में से लाइट निकल रही है क्या? हाँ, प्रकाश गंगा। अरे मैजिक लाइट ब्रो, हर 100 साल में एक बार ना इस पहाड़ से ऐसी मैजिक लाइट निकलती है। कब? जब सूरज की रोशनी 4 अन्य ग्रहों से टकराकर अंगूठी पर पड़ती है। वो विशेष दिन कब आएगा विचल? आएगा भी या निकल गया? तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों दंज? 2 दिन? क्या? हाँ ये देखना, गूगल आंटी भी यही बोल रही है। परसों के बाद क्या आता है? तरसों ही इन पहाड़ों से ऐसी लाइटें जगमगाएंगी। सौ साल बाद आता है वो दिन, जो कि 2 दिन बाद है। पापा का पेनड्राइव मिला मुझे कल, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, राइट? अरे रुको, पापा ने बोला था ये रिंग कहीं पृथ्वी पर खो गई है, तो क्या मीटियोर का गिरना और रिंग का गिरना कनेक्टेड है? कॉज एंड इफेक्ट में बिलीव करते थे पापा। इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना किसी वजह नहीं होता। वो मैजिक लाइट्स, कहीं वो रिंग का इफेक्ट तो नहीं है? इन दैट केस ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। बस हो गया डिसाइड। 2 दिनों में आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी गुरु शुक्र। 2 दिन में रिंग मेरे हाथ में होगी पापा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.